आपके माध्यम से ही पता चला था कि 10 साल से उसके अंदर 450 करोड़ रुपए वही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात आते हैं, तो मेट्रो की बात आ गई। क्योंकि आज सवाल यही था कि मुख्यमंत्री तो बदल गया, क्या मेट्रो भी बदलेगी, कि कौन सा टोल हटाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद नाम लेके बोला था कि मैं गुड़गांव के लिए जाने वाला जो टोल है वो हटाऊंगा और सोना वाला जो टोल जो हटाऊंगा। आते हैं बातें करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक मूलभूत समस्याओं से आज भी लड़ रहे हैं। 48 साल हो गए हमें यहाँ पे खड़े खड़े रहते रहते, लेकिन हम जो है ना आज भी पानी रात को 12 बजे भरते हैं। नरेश जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जो है मुख्यमंत्री फरीदाबाद आ रहे हैं और ऐसे में आप लोगों को डिटेन करके भी रखा था, क्या कुछ कहोगे? नहीं, डिटेन मैं आपको, नमस्कार आप सभी साथियों को, डिटेन करने का मतलब ये था कि प्रशासन को कैसे सूचना मिली कि हम जो है आज विरोध करने वाले थे कि सीएम साहब आ रहे हैं, क्योंकि सीएम साहब बदल गए यहाँ पे और पूर्व सीएम ने यहाँ पे कुछ घोषणा करी थी आज से 10 साल पहले, और वो याद दिलाना चाहता हूँ कि 10 साल पहले यहाँ पे बोला था कि मेट्रो आएगी। वो मेट्रो का मैं कार्ड लेके घूमता रहता हूँ, पता नहीं कहाँ, वो शायद आपको बताऊँ मेरी जेब में भी है एक मेट्रो कार्ड, और मेट्रो सरकार ने ही दे रखा है वो कार्ड। अब ये बताइए कि वो मेट्रो आपको कहीं दिखाई दी? आप आए थे यहाँ पे, ये कार्ड है ये, आप बताइए ये मशीन से कहीं चल रहा है? यहाँ से एक फरीदाबाद से निकलनी थी, गुड़गांव तक मेट्रो जानी थी, तो उसके लिए मैं ढूंढता रहता हूँ, मशीन भी नहीं मिलती कहीं यहाँ पे। मैंने सोचा कि कहीं अंडरग्राउंड इन्होंने बनाया हो मेट्रो स्टेशन, लेकिन वो आज तक नहीं मिला। अंडरग्राउंड भी मैं देख के आ गया यहाँ पे, नाला जरूर मिला। सरकार के विकास की बात करें तो 10 सालों बाद शुरू होता है, आप देख सकते हैं मझावली पुल का विकास आपने देखा। वो भी आपको बताऊं, वो आपके माध्यम से ही पता चला था कि 10 साल से उसके अंदर 450 करोड़ रुपए वही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात आते हैं, ये तो मेट्रो की बात आ गई। क्योंकि आज सवाल यही था कि मुख्यमंत्री तो बदल गया, क्या मेट्रो भी बदलेगी, क्या मेट्रो आएगी इस शहर के अंदर, एनआईटी के लोगों के लिए मेट्रो आएगी। मझावली का पुल का मुद्दा हमने सब आपके साथियों से मिलकर में उठाया था, 450-500 करोड़ रुपए लगे उसके अंदर, और मुद्दे के अंदर आज तक वो चालू नहीं हुआ। और आज केंद्र के चुनाव हैं तो उसके अंदर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यहाँ से आप 20 मिनट के अंदर मझावली पुल पहुँच जाएंगे, लेकिन हमने जब जाके सत्या देखी तो वहाँ पे एक घंटे तक भी नहीं पहुँच सकते आप, और उसके अंदर कितने घोटाले हुए आपको पता है कि लोकल वहीं से यमुना की मिट्टी उखाड़ के और उस पुल के अंदर लगाई जा रही है। ये आपके फिर तीसरा मुद्दा आपके माध्यम से मैं पूरे शहर के अंदर उठा रखा है 4 या 5 साल से, टोल फ्री अभियान का। टोल फ्री के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बोल के गए थे कि यहाँ से टोल जो हटाने वाला हूँ मैं, दो टोल के नाम पे अभी तक एक भी नहीं हटाया, और उसके लिए कई बार आपके माध्यम से बताया, लेकिन आरटीआई से जवाब भी नहीं है इनके पास, लिखित में जवाब नहीं सरकार के पास कि कौन सा टोल हटाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद नाम लेके बोला था कि मैं गुड़गांव के लिए जाने वाला जो टोल है वो हटाऊंगा और सोना वाला जो टोल जो हटाऊंगा, लेकिन उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं। फिर आप आइए, अभी परसों जो है माननीय केंद्रीय मंत्री जी एक बता रहे थे, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और करंट में अभी भी हैं, वो बोल रहे थे कि फरीदाबाद के अंदर ज़मीनें बहुत महंगी हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ सकती, मदर यूनिट नहीं आ सकती। भाई क्यों नहीं आ सकती मदर यूनिट? अगर आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे आप जो खड़े हैं ये आईचर कंपनी है, हज़ारों लोगों को रोज़गार देती थी, आपको ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आईचर के मालिक से सिर्फ बात करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे सिर्फ ये बोलना है कि आप अपने यूनिट को बाद में आप यहाँ पे दोबारा स्थापित कीजिए। क्या वो यूनिट दोबारा नहीं आ सकती? ज़मीन की तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, ना खरीदने की ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। आईचर की आप देखोगे एनफील्ड उनकी आती है, आईचर के ट्रक आ रहे हैं, आईचर के ट्रैक्टर आ रहे हैं, बहुत सारी यूनिट है उनकी, कोई एक यूनिट तो लेके आ सकते हैं। आपको आज पुलिस ने क्यों पकड़ कर बिठाया? पुलिस ने इसलिए पकड़ के बिठाया कि हम जो ये मांगे हैं, महत्वपूर्ण मांगे जो लोकसभा की इस फरीदाबाद के अंदर केंद्रीय मंत्री जो दे नहीं पाए हैं उनके लिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेडियम पूरे हरियाणा के अंदर एक है। आज आप काले झंडे दिखाने वाले थे सीएम, बिल्कुल दिखाने वाले थे, लेकिन हम शांतिपूर्वक तरीके से दिखाने चाहते थे, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है और पूरे हरियाणा चाहते हैं और करेंगे उसके लिए, लेकिन हम जो है अपने एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि सीएम पूरे हरियाणा के हैं और वो अपनी सभा करें, लेकिन हमारी जो मांगे हैं पूरे हरियाणा के लिए और पूरे फरीदाबाद के लोकसभा क्षेत्र के लिए, इन मांगों के लेके हमारे पूरे साथी हैं, और आज इसके लिए भाई हरजिंदर भाई और हमारे साथी बताएंगे कि एक्चुअल में कितने लोगों के साथ आप झंडे दिखाने वाले हैं, कितने लोगों के साथ विरोध करेंगे आप? काफी लोग हैं, अभी तो ये चीज डिस्क्लोज करने की नहीं है कि हम इसके लिए बताया जाए, क्योंकि प्रशासन तो के आप आम आदमी पार्टी के बैनर तले ही कर लेंगे या बिल्कुल आम आदमी पार्टी के बैनर तले, और जो समाज सेवी जिनको जरूरत है इस लोकसभा के अंदर जो जरूरत है उनको लेके और भी साथी हमारे साथ रहेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश राणा है, आम आदमी पार्टी का ज्वाइंट सेक्रेटरी फरीदाबाद ट्रेड का हूँ। हमने यहाँ पे विधानसभा 86 में इतनी गंदगी है कि यहाँ चलना दुश्वार हो रखा, हर चौक पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हमारे आने जाने का रास्ता नहीं है, हमारे पीने के लिए साफ पानी नहीं है, हमारे यहाँ पे हम 48 साल से रह रहे हैं फरीदाबाद में, लेकिन आज तक मूलभूत समस्याओं से आज भी लड़ रहे हैं। 48 साल हो गए हमें यहाँ पे खड़े खड़े रहते रहते, लेकिन हम जो है ना आज भी पानी रात को 12 बजे भरते हैं।
और क्या सीएम को झंडे दिखाने से आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? सर यह हमारे हरियाणा के सीएम सबके राजा हैं, अगर राजा के बात ही नहीं रख पाएंगे तो उससे हमारा जो है समस्या हल ही नहीं हो पा रही। नीचे रखने के लिए तो आपको सभा में जाना चाहिए। सभा में तो वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे ना। अभी हमें ज्ञापन कितनी बार सौंपा है ये बताइए। हमने ज्ञापन भी कम से कम 10 बार सोचा दिया है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आते हैं, बातें करके चले जाते हैं और ये कह देते हैं जी अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे, लेकिन ये समस्या आज भी हमारे 48 साल में वही समस्या है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।